हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम एंड टूडे वी आर गोइंग टू रेकमेंड द बेस्ट बुक्स फॉर आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग मेन्स एग्जाम आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग के लिए बुक्स रेकमेंड करने वाला हूँ मैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस जो 2023 वाला जो पिछले साल का एग्जाम हुआ है उसके एनालिसिस के बेसिस पे आई एम गोइंग टू शेयर द लिस्ट ऑफ बेस्ट बुक्स दो बुक्स हैं जो ज़्यादा जिसमें से पेपर आता है देर इज नो कॉम्प्रीहेंसिव बुक यू नीड टू अंडरस्टैंड जब हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी एक बुक में से सारा पेपर या किसी एक कोर्स में से सारा पेपर नहीं आता है जब भी कोई भी टीचर एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम का कोर्स करवाता है या आप आई की जब तैयारी करते हैं आपको पता होगा वाजीराम है या बहुत सारी विजन आई एस दिस, दिस बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ट्रस्ट में कई बार ऐसे होता है कि वाजीराम के पूरे स्टडी मटीरियल में से दो क्वेश्चन आए हैं राइट आई मीन उनको कोई जाके कोई ऐसे गाली नहीं देता या उनको कोई जाके अब्यूज़ नहीं करता लेकिन वैन इट कम्स टू तो द यूट्यूबर्स या ऑनलाइन टीचर्स हैं आजकल के छोटे लेवल के टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स का एक इंट्रैक्शन है वहाँ तक दे कैन रीच देयर सो दे स्टार्ट अब्यूजिंग द संदार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वैन इट कम्स टू कंपेटिटिव एग्जाम नो सिंगल बुक नो सिंगल कॉज कैन कवर द इंटायर यू नो सलेबस क्योंकि सिलेबस आपका फिक्स नहीं है गिवन नहीं है दिया ही नहीं हुआ ओके okay. So please give a look to the previous exam analysis. My name is Ramandeep Singh and this is my WhatsApp number and I have been teaching from last 12 years on bank exams today. So IBM company get data from multiple sources, from sensors, transaction of customers and other larger. Uh, so this is big data. Big data mese question ek tha. So if Johnson, so big data, data mining, okay, data warehouse, latest topics.

यू वुड बी सरप्राइज इन मेजोरिटी ऑफ द बुक्स गैरी आर्मस्टॉन्ग की बुक मैं पर्सनली रिकमेंड करता रहा हूँ अभी तक बट देर आर थ्री क्वेश्चन फ्रॉम कस्टमर रिटेंशन ये वाले फॉर्मूला से तीन क्वेश्चन थे एग्जाम में लास्ट ईयर ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ये भी सेम टॉपिक है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर रिटेंशन पीरियड तो इसमें से तीन क्वेश्चन आए हैं पिछले साल बट दिस टॉपिक इज नॉट कवर्ड इन गैरी आर्मस्टॉन्ग बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट की गैरी आर्म की बुक में इसको कवर ही नहीं किया गया ये कवर ही नहीं है सो दैट्स दैट्स एन इश्यू ये बुक्स के कुछ ड्रॉबैक्स मैं आपको बता रहा हूँ आई डी आई सी ऑफ सी आर एम मार्केटिंग वॉट डज सी स्टैंड फॉर इवन दिस क्वेश्चन इज नॉट कवर्ड कवर होगा भी तो कहीं साइड में होगा बट नॉट कवर्ड इन द गैरी आर्मस्ट्रांग की बुक कैलर कॉटलर कैलर में भी आई गेस ये क्वेश्चन नहीं है अगर है तो मुझे प्लीज लेट मी नो इन द इवन इन द लेटेस्ट एडिशन ये रिटेंशन वाला फॉर्मूला शायद नहीं है कॉटलर कैलर में अ पर्सन स्पेंड फोर्टी थाउजेंड इसका एक एवरेज निकालना था कन्वर्जन ऑफ एक्वायरिंग वन कस्टमर ये जनरल क्वेश्चन है दिस इज अ जनरल क्वेश्चन आई एम नॉट इन एक्सपेक्टिंग एनी बुक टू कवर दिस टॉपिक किसी बुक में ये टॉपिक हो भी नहीं सकता है तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था काइंड ऑफ जनरली आपको आइडिया होना चाहिए इतना तो मेरे अकॉर्डिंग वट प्राइसिंग स्ट्रेटजी यू विल यूज इफ योर प्रोडक्ट्स इफ यू मार्केट एंड यू विल बी प्राइसिंग योर प्रोडक्ट्स हायर एनी बुक यू आर रीडिंग एनी एबीसी बुक कोई भी बुक मार्केट से उठा लीजिए अपने कोर्स की उठा लीजिए उसमें ये क्वेश्चन होगा प्राइस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अगर कोई पचास साठ पेज की सौ पेज के नोट्स दे रहा है मार्केटिंग के उसमें भी ये टॉपिक होता है राइट right? उसमें भी ये वाला टॉपिक होता है बी सी जी मैट्रिक्स वगैरह इस लेवल के क्वेश्चन जो है वो हर एक कोई पचास पेज तीस पेज की मार्केटिंग के नोट्स बनाएगा उसमें भी वो इसको इंक्लूड हंड्रेड परसेंट करेगा ओके माइनॉरिटी ग्रुप्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ योर एनवायरमेंट सो कौन से एनवायरमेंट से आते हैं मार्केटिंग एनवायरमेंट का क्वेश्चन है वेरी बेसिक क्वेश्चन ठीक है माई माइनॉरिटी ग्रुप राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन से इन्वायरमेंट से आते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग एन्वायरमेंट बट ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन है इवन विद जनरल नॉलेज बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक लॉजिक अगर आपके पास है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट मार्केटिंग स्ट्रेटी वे सी आई कैन सी एक ट्रेंड जो है जो एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ द ट्रेंड इज़ टू वर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग डेटा माइनिंग ए आई मशीन लर्निंग डेटा वेयरहाउस ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आने लग गए हैं ओके Uh, जैसे ये रेफरल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे क्वेश्चन ऐसी टर्म्स पेपर में ज़्यादा यूज़ होने लगी हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स आर देयर इन द एग्ज़ाम मोर ऑफन सोशल मार्केटिंग पेपर क्लिक ये दोनों टॉपिक्स आपके डिजिटल मार्केटिंग में से है रेफरल मार्केटिंग एंड पेपर क्लिक ये डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट हैं ओके यूजिंग की ये आपका ये भी अगेन डिजिटल मार्केटिंग का ही है डिजिटल मार्केटिंग के ये टॉपिक्स हैं बैकग्राउंड का कलर सेम है अगर वेब पेज का टेक्स्ट से तो ये दिस इज ब्लैक हैट एस सी ब्लैक हैट वाइट हैट एंड ग्रे हैट वाइट हैट मतलब आप लीगली कर रहे हैं सब कुछ कुछ इलीगल uh, तरीके से आप अप अपने पेजेस को ऊपर नहीं लेकर आ रहे एस सी का क्या मतलब है एस सी एम का क्या मतलब है यू शुड नो दैट इफ यू डूइंग मार्केटिंग इवन तो ये प्रमोशन ये एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है सो यू कैन सी दैट कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आर बेस्ड अपॉन लॉजिक अगर आपके पास एक बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं जीरो टॉलरेंस इज अ डिफरेंस बिट्वीन डैश एंड डैश रेंज ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस एंड एंड द एडिकुएट सर्विस रेंज ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस एट अ कस्टमर कंसिडर सेटिसफैक्ट्री एंड द डिज़ायर्ड एंड द एडिकुएट जो आप डिज़ायर अगेन दिस इज़ लॉजिक हो सकता है कि आपने कभी ना पढ़ा हो पहली बार एग्जाम में देखा है तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जीरो टॉलरेंस क्या होता है कि डिज़ायर्ड और एडिकुएट का जो डिफरेंस है दैट इज़ द जोन ऑफ टॉलरेंस ओके सो वट इज जोन ऑफ टॉलरेंस कि आपके माइंड में क्या था सर्विस को लेके क्या क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन थी एक रेस्टोरेंट से एक होटल से और आपको क्या एक्चुअली मिला राइट सो दिस इज बेसिक लॉजिक हो सकता है कि आपने कहीं नहीं पढ़ा लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड दिस अगर आपका ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है यू कैन आंसर दिस इन मार्केटिंग रिसर्च इन विच यू डू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू ऑडियंस बाय स्टेइंग इन देयर एनवायरमेंट इथनोग्राफिक मार्केटिंग रिसर्च इफ यू हैव गॉन थ्रू मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च का अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ये पढ़ा हुआ है अगर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्केटिंग रिसर्च का चैप्टर छोड़ देते हैं उनको लगता है कि यहां पे ज्यादा एमसीक्यूज नहीं बन रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं तो नहीं छोड़ना है आपको ठीक है पॉटर वैल्यू चेन एनालिसिस इन एनी मार्केटिंग बुक पॉटर वैल्यू चेन एनालिसिस इज ऑलवेज देयर ये हमेशा होता है पॉटर मॉडल भी हर जगह होता है ठीक है प्रोडक्ट हरार अगेन ये हर मार्केटिंग की बुक में नोट्स में ये टॉपिक रहता है वैल्यू लाइफ स्टाइल ये भी होता है डेविड आकर मॉडल सो दिस इज समथिंग आई वुड से मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट बुक में ये नहीं होता है नहीं है टॉपिक डेविड आकर मॉडल मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग बुक्स में नहीं है एंड लास्ट ईयर तीन चार लोग ही कोर्स करते हैं और किसी ने अपने कोर्स में नहीं पढ़ाया मैंने भी नहीं पढ़ाया मोस्टली बुक्स में भी नहीं है लेकिन एग्जाम में आ गया राइट तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं सो एन पी एस विच इज़ टोटली अनरिलेटेड टू आई बी बी एस एस ओ मार्केटिंग एग्जाम इफ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग यू कैन यू माइट हैव कवर्ड दैट ओके तो अदरवाइज किसी कोर्स में स्पेसिफिकली मार्केटिंग में कोई एन पी एस क्यों ही पढ़ाएगा फ्रूट्स थियोरी तकनीक आया था एग्जाम में सो हर्सबर्क थियोरी फ्रूट्स थियरी दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं ट्रस्ट मी स्टूडेंट हर साल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से दो तीन दो तीन क्वेश्चन आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक में नहीं है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं और ये हर साल तीन चार दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं एंड यन यू हैव टू कवर दिस अगेन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू थर्ड क्वेश्चन ये आया था आपका आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है आई हैव डन अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस टॉपिक इन माई कॉस्ट यू कैन कवर दैट सो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ

लॉट ऑफ यूनिक क्वेश्चन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के न्यूमेरिकल मोस्टली बुक्स में नहीं है लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं है राइट सो थोड़ा यूनिक सा पेपर है अ मैगजीन अगेन अनदर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन अ मैगज़ीन इज पब्लिश्ड इज रेडी बाय अ लेडी ओके सो विच कंज्यूमर सेगमेंट इट इज टार्गेटिंग अगेन लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ओके अ हेयर ड्रेसर इज नो नोन फॉर हिस्स डिस्टिंग्विश हेयर सर्विस विच अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर विच वट इज अ पी

मोस्टली नाइन्टी नाइन परसेंट बुक्स में ये कवर ही होगा ठीक है सो प्रमोशनल एक्टिविटीज सम कंपनी प्रोड्यूसिस प्रोडक्ट विच आर सिमिलर टू प्रोड्यूस बाई एवरी अदर कंपनी ठीक है इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ सो ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चैप्टर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें से कोई एम सी क्यू नहीं बनता लेकिन बनते हैं तो ऐसे आ जाते हैं पेपर में ठीक है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन विच अ कंपनी असाइन अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डिजिटल मार्केटिंग आ गई है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में से क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी डिजिटल मार्केटिंग में से तीन चार पाँच क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे बहुत इजी होते हैं लॉजिक बेस्ड पांच सात क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है अगेन सोशल मार्केटिंग का क्वेश्चन आया था अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ यू नो लेटेस्ट टॉपिक्स है ये डिजिटल मार्केटिंग काइंड ऑफ ओके डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर राइट सो कंज्यूमर बिहेवियर में से क्वेश्चन आया था काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्किप कर देते हैं यू डोंट यू डोंट हैव टू स्प स्किप एनी टॉपिक बहुत सारे चैप्टर स्टूडेंट स्किप कर दे देते हैं उन्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कर लेते हैं उसमें से ज़्यादा कुछ पिछली बार आया नहीं था ठीक है सो कंपनी यूजिंग सच स्ट्रैटी विच डॉय्स कस्टमर्स ग्रॉसरी में एक थ्री कार्ज विच एनालिसिस द बेस ऑफ द लॉयल्टी राइट लॉयल्टी के बेसिस पे सो दे आर डूइंग सेगमेंटेशन कस्टमर लॉयल्टी सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन से क्वेश्चन आया था पीआर में से क्वेश्चन आया था पब्लिक रिलेशन में से क्वेश्चन आया था डायनमिक प्राइसिंग में से क्वेश्चन आया था ऑफेंसिव टाइप्स ऑफ स्ट्रैटजीज में से दूसरा क्वेश्चन आ गया है डायरेक्टली ट्रस्ट मी आई मीन बहुत ईजी टॉपिक है बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स इसको स्किप करते हैं बी एन बी इना बी एन बी दे अक्वायर न्यू कस्टमर फ्राम एग्जिस्टिंग कस्टमर सो इट्स रेफरल मार्किटिंग अप ट्रस्ट मी रेफरल मार्किटिंग में से दो क्वेश्चन आए थे फंडामेंटल लेवल इन द कस्टमर वैल्यू हरार की रिपीट हो गया कोअर बिजनेस प्रोसेस डिजिटल मार्किटिंग अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेस्टन सो वॉट वट आर द कंक्लूजनस फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक डिजिटल मार्किटिंग दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट ये ट्रेंडिंग टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक दूसरी बात ये है यू कैन नॉट यू कैन नॉट डोंट रिलाई ऑन वन बुक डोंट रिलाय ऑन वन बुक एक बुक पे आप रिलाई कर ही नहीं सकते बहुत सारे टॉपिक स्किप करते हैं राइट एंड यू नीड टू कवर द इंटायर सिलेबस द इंटायर सिलेबस डोंट जस्ट फील लाईक आई विल डू दीज टू थ्री टॉपिक्स एंड माई सिलेबस वुड भी कवर ट्रस्ट मी दैट्स नॉट द केस मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर बुक्स की बात करें सो डोंट गेट दिस दिस वन इज बैटर सो दिस इज इंडियन एडिशन फिलिप कॉटलर कैलर सो टू ऑफ द राइटर्स शेठ एंड शिनेश दीज आर इंडियन राइटर्स बाकी सब तो सेम है लेकिन इंडियन राइटर दिस इज एन इंडियन एडिशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बुक मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव बुक फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटली सफिशेंट फॉर द एग्जाम यह कंप्लीटली सफिशियंट नहीं है इफ यू से क्या इसमें से एटी परसेंट पेपर आएगा आई एम नॉट श्योर क्या इसमें से फिफ्टी परसेंट पेपर आएगा यस yes, आएगा सेकेंड बुक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग लास्ट ईयर तक आई वॉज रिकमेंडिंग दिस बुक बट दिस ईयर आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस क्योंकि पिछले साल दो सालों में इसमें से कुछ भी नहीं आया एंड मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को बुक्स को बुरा बोलते नहीं देखा दिल कीप ऑन यू नो ट्रोलिंग दट टीचर्स बट दिल नेवर से कि इस बुक में से पेपर नहीं और इस बुक में से पिछले दो तीन सालों में पेपर नहीं आया लास्ट ईयर तक आई वॉज रिकमेंडिंग दिस दिस बुक दिस ईयर आई एम नॉट रेकमेंडिंग दिस बुक क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें है ही नहीं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज़ में नहीं मिला स्ट्रैटेजीज वाला मेरे को टॉपिक इसमें से नहीं मिला बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें नहीं हैं तो डिजिटल मार्केटिंग उतना अच्छे से कवर नहीं है इसमें तो फिर क्या ही है क्यों ही इतनी बड़ी बुक पढ़नी है आपको राइट right? तो सेंस ही नहीं बनता ना इतनी बड़ी बुक पढ़ने का जस्ट गेट द कॉटलर कैलर ये अगर आप बुक कोई लेना ही चाहते हैं तो ये वाली बुक जो है ये मैं इस साल रिकमेंड कर रहा हूँ इफ़ यू वॉन्ट टू गेट जस्ट गेट इट आई यू नो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा जस्ट क्लिक द लिंक एंड यूल गेट द बुक एंड जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसे ही ओपन करके अमेजान का लिंक दूंगा वही लें बिकॉज देर आर अ लॉर्ड ऑफ एडिशन डोंट गेट कन्फ्यूज ओके So, IBPS SO Marketing, a course I'm teaching on bank exams today, where I'm providing video classes, live sessions, full and mock tests for pre mains, complete syllabus coverage. I'll, I'm going to do the power capsule and superset for the IBPS SO Marketing. Live sessions, well analyzed study material, full syllabus coverage I'm going to do. I'm going to cover all these books. Whatever I have shown you, I'm going to cover all these books. A list of our successful students. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. An IBPS SO marketing only, okay. And students, these are the students uh, of our 2022 batch. All these students that took our courses in 2022 and they cracked their IBPS SO marketing 2022 exam and they finally got the job. and I'm really, really happy for them. So you can be one of them next year. Uh, link to the course is available in the description for IBps so marketing pre and the mains see you in the course if there is any doubt in your mind drop your whatsapp message this is my whatsapp number where I am going to answer your doubts and that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye